हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सुप्रीम किचन। सबको चाउमीन बहुत पसंद है और मन किया तो मार्केट से पैक करके ले आते हैं, लेकिन हमेशा बाहर से क्यों खाएं जब बनाना इतना आसान है। इसलिए आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन। चलो मैं आपको सिखाती हूँ आज वेज चाउमीन। तो वेज चाउमीन बनाने के लिए हमें पहले चाउमीन लेना है, तो उसे मैंने वेज चिंग्स वेज हक्का नूडल्स लिया है। मैंने उसके लिए एक वेसल में पानी गर्म कर दिया है, ये खौल रहा है, इसको हम बॉईल कर देंगे। इसको हम 60% ही बॉईल करेंगे और 40% हम कच्चा रखेंगे। नमक स्वाद अनुसार और ऑयल ताकि ये चिपके ना। इसे 4 से 5 मिनट तक इसे बॉईल करना है, उससे ज्यादा नहीं। इसको थोड़ी देर हम बॉईल करने देंगे और बॉईल होने के बाद इसे हम ड्रेन करेंगे और ठंडे पानी से धो देंगे। ये परफेक्ट है, देखिए। अब हम इसे ड्रेन कर देंगे। इसमें सही उबल चुका है। इसके बाद हम इस पे ठंडा पानी डालेंगे ताकि एक दूसरे से ना चिपके। और थोड़ा सा ऑयल ताकि ये सेपरेटेड रहे। अब इसको इसके बाद एक बड़े प्लेट में ठंडा होने के लिए खुला खुला करके छोड़ दीजिए 5 से 10 मिनट तक। गरम हो गया, मैंने 2 बड़े स्पून ऑयल का ले लिया है, ये गरम है। और फर्स्ट हम डालेंगे कटे हुए गार्लिक लहसुन, इसको हम सॉटे करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कटे हुए जिंजर अदरक, इसे भी हम डाल के थोड़ा सॉटे कर देंगे। और जैसे कि हम वेज चाउमीन बना रहे हैं तो इसमें काफी सारा वेजिटेबल्स पड़ेगा। मैंने सारे वेजिटेबल्स काट के रखे हैं, ये देखिए। सबसे पहले हम डालेंगे गाजर, जूलियंस कटे हुए, लंबे लंबे कटे हुए हैं सुंदर से। उसके बाद हमारा ये शिमला मिर्च, अनियन ऐसे, इन सबको हम इस तरह से चलाकर, ज्यादा नहीं, जैसे कि हमें क्रंची रखना है वेजिटेबल्स को, थोड़ा बस थोड़ी देर सॉटे करेंगे। अब कटे हुए पत्ता गोभी, इसको मैं लास्ट में डालती हूँ क्योंकि ये जल्दी बॉईल हो जाता है, इसे भी आप डाल देंगे। और थोड़ी और 2 मिनट सॉटे करेंगे। इस स्टेज पे हम थोड़ा नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप, और इसको मिक्स करेंगे। और
बॉईल किया हुआ हमारा ये चाउमीन है, उसे हम धीरे धीरे इसमें मिला लेंगे। मिलाने के बाद सारे जो हमारा सॉस है इसको हमें लपेटना है इसमें। देखिए ये हमने अच्छी तरह से फ्राई कर दिया है। स्टेज पे इसमें पड़ेगा अजीनोमोटो। अगर बच्चों के लिए है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अ पिंच ऑफ अजीनोमोटो डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, इसका एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है जो इसमें और ज्यादा इसका टेस्ट बढ़ा देता है। और इसको एडजस्ट करने के लिए पहले से ही हमने सब चीजों में नमक डाला है, थोड़ा और डालेंगे बस। और इन सब को दोबारा मिक्स कर देंगे। देखिए कितना कलरफुल अट्रैक्टिव वेज चाउमीन रेडी है, खाने को तैयार। हम सब इतना प्यारा लग रहा है कि बस मेरा तो मन कर रहा है कि बस अभी अभी इसे सर्व करूं और गर्मा गर्म खाऊं। दिस इज रेडी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज बता सकते हैं। हम जल्द ही आएंगे एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।